हेलो एवरीवन वेलकम टू सीपी क्लासेस आज है डेली डोज में इंडियन इकॉनमी और उसका है ये पार्ट थ्री इसके पहले भी हमने इंडियन इकॉनमी का है दो पार्ट देखा था उसमें हमने क्वेश्चंस जो ले लिया था वो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था और कुछ क्वेश्चंस जो था वो हमारा बनाया हुआ क्वेश्चनस था और वो भी थोड़ा सा करेंट ओरिएटेड ही था अब इस बार वाले में भी जो है क्वेश्चन का लेवल सेम रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से रेलिवेंट रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है कि अगर आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चन देंगे तो फिर आप हो सकता है कि डीमोटिवेटेड हो जाएं या फिर उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा और क्वेश्चंस काफ़ी इजी भी नहीं होना चाहिए क्वेश्चंस एग्जैक्टली एग्ज़ाम के लेवल का होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम के लेवल का जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल उसी तरह से ट्रेंड हो जाता है कि आप इस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ठीक है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का इकॉनमी का बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सब सॉल्व करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आता है खास करके सी ए पी एफ और ई पी एफ ओ में भी जो आपका क्वेश्चन आता है इकॉनमी से रिलेटेड वो एकदम बेसिक इंडियन इकॉनमी पर बेस्ड रहता है जो फिजिकल पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इस तरह के टॉपिक्स पे बेस्ड होता है तो अगर आपको इसका बेसिक नॉलेज भी है आपको थोड़ा बहुत भी पता है अच्छे से अगर आप चीज़ों को जानते हैं टर्मिनोलॉजी को जानते हैं तो आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं और चांस चांसेस कि आप सही भी करिएगा ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम पहला क्वेश्चन है आपका इस क्वेश्चन को भी आप लोग पॉज करिए अटेम्प्ट करिए पहले थोड़ा सोच लीजिए ठीक है क्वेश्चन का क्योंकि हर स्टेटमेंट का जो है कुछ वर्डिंग्स डिफरेंट रहता है और वर्डिंग से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं इसी कारण जो है वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट करिए विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट ये टू में आया क्वेश्चन पहला ऑप्शन है आपका कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली आपका स्टेटमेंट बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन आपका स्टेटमेंट सी है डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन आपका स्टेटमेंट डी है इंक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन ठीक है तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्थ इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन ठीक है एक्सप्लेनेशन जाने से पहले हम लोग हमेशा देखते हैं कि हम लोग बाकी स्टेटमेंट्स को क्यों रिजेक्ट किए और हम लोग सही आंसर तक कैसे पहुँचे देखिए पहले आपका स्टेटमेंट जो ए है वो बिल्कुल गलत है क्योंकि ओनली एक तो आपको तो आपको पहले ये देख लेना चाहिए कि ओनली स्टेटमेंट जब भी रहता है मैक्सिमम टाइम वो गलत होता है ठीक है और यहाँ पर ऐसे भी स्टेटमेंट आप देखिए कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग क्योंकि एपेक्स बॉडी जो इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है वो है आर आर को आप जानते हैं क्योंकि आर बी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज़ मोनिट्री पॉलिसी ठीक है मोनिट्री पॉलिसी जो होती है आर की और आपने पढ़ा होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सी के बेसिस पर जो है आर बी मॉनिटरी पॉलिसी लाती है अपनी सी उसको बेस रेट को मानती है वो मतलब कि सी के अगर सी बढ़ जाती है तो फिर उस हिसाब से उन लोग का पॉलिसी रहता है अगर घट जाती है तो फिर उस हिसाब से वो पॉलिसी रहता है तो दूसरा स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल जो है वो गलत है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही रोल है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन में दूसरा स्टेटमेंट वो गलत हो गया तीसरा हमारा सही है उसको हम लोग देखेंगे क्यों और ऑप्शन डी जो है आपका देखिए इंक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन ये जस्ट उल्टा स्टेटमेंट है इंक्रीज मनी सर्कुलेशन जो है वो फर्दर इन्फ्लेशन बढ़ा देगा ना कि घटाएगा ठीक है अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं देखिए इवन इन्फ्लेशन बिकम्स वेरी हाई दी आर बी आई डिक्रीजेज सप्लाई ऑफ मनी टू चेक इन्फ्लेशन देखिए मनी सप्लाई आपने अभी हम लोग आगे क्वेश्चन में भी देखेंगे मनी सप्लाई क्या होता है कि मार्केट में जो है मनी का सर्कुलेशन कितना है वो इन द फॉर्म ऑफ आपका डिपॉजिट्स में भी हो सकता है आपके पास जो कैश इन हैंड है वो भी हो सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ मनीज जो है वो कैसे फ्लो कर रहा है तो अभी जैसे किस केस में जब आपका इन्फ्लेशन हाई रहता है जब आपके मार्केट में इन्फ्लेशन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हाई है तो उस समय आर जो है वो टाइट मॉनिटरी पॉलिसी अपनाती है ठीक है तो जब भी एकदम बेसिक से समझिए अगर इन्फ्लेशन जब भी आपका हाई रहेगा तो आर जो है वो टाइट मनी टाइट मनी पॉलिसी लाएगी आपका इन्फ्लेशन जब लो रहेगा ठीक है और डिमांड भी जो है वो घटने लगेगा इकोनॉमी में तो आरबीआई जो है थोड़ा सा ईजिंग करेगी तो उसको बोलते हैं एक्सपैशरी एक, मनी पॉलिसी और लूज मनी मॉनेटरी पॉलिसी ठीक है तो लूज़ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है कि आर सारा ऐसा मेजर्स लेगी कि मार्केट में जो है आपका करेंसी uh, का सर्कुलेशन बढ़े मनी सप्लाई बढ़े लोग ज़्यादा खर्चा करें ठीक है तो समझ लीजिए दोनों जस्ट अपोजिट है इन्फ्लेशन बढ़ने पे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और जब इन्फ्लेशन घटता है या डिमांड घटता है तो लूज मॉनेटरी पॉलिसी आएगा अब यहाँ पर देख लीजिए कि डिक्रीजिंग द मनी सर्कुलेशन डिक्रीजेज द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन ठीक है टाइट मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में हेल्प करता है क्यों क्योंकि डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज घटने लगेंगे ऑब्वियसली जब आपके इनहैंड जब आपका पैसा घटने लगी तो आप जो है सामान कम कर देंगे और उसके वजह से जो जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है जो वो घटेगा ठीक है अब आप बोलिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन वैसा होता है जो कि डिमांड के द्वारा क्रिएट किया गया इन्फ्लेशन है फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सोचिए कि आपको एक कार है ये ये एक कार है इसको एक आदमी खरीदने वाला है ठीक है फिर अचानक से बढ़ जाते हैं वन लोग 1000 लोग को यही कार चाहिए तो ऑब्वियसली इस कार का दाम जो है वो बढ़ जाएगा तो ये हुआ क्या कि इस कार का प्राइस बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है रिलेटिवली बहुत बढ़ जाएगा तो आप कह सकते हैं कि जस्ट ड्यू टू डिमांड जो है इस कार का वैल्यू बढ़ रहा है तो हम ये जो है एक तरह से इन्फ्लेटेड प्राइस हो जा रहा है तो ये कॉज कर रहा है इन्फ्लेशन ठीक है बहुत एकदम बेसिक सा ये कंसेप्ट है इसको ऐसे डिटेल में भी आप पढ़ सकते हैं पर अगर आपको बेसिक्स में समझना है तो बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हैं तो डिमांड फोर इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जो है आर जो है वो टाइट मॉनिटरी पॉलिसी लाती है और टाइट मॉनिटरी पॉलिसी में भी उसका जैसे मेजर्स होता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो गवर्नमेंट uh, सिक्योरिटीज़ बेच देगी मार्केट में वो वहाँ से कैश ले लेगी तो बहुत सारा मैसेज होता है उसको अगर आपको पढ़ना है तो आप उसको पढ़ सकते हैं ठीक है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ये क्वेश्चन देखने से पहले ये भी एक थोड़ा सा बेसिक सा एक डायग्राम है जैसे अभी हमने कहा ना कि मनी सप्लाई ठीक है तो मनी सप्लाई जो कंट्रोल करती है तो मनी सप्लाई का भी बहुत सारा इंडिकेटर्स है जैसे एक होता है M1 वन मनी एक होता है M2, एक होता है M3 और एक होता है M4, ठीक है M1 वन देखिए क्या होता है M1 आपका होता है करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक डी डी डिमांड डिपॉजिट्स आप जानते हैं कि जो आपका करेंट और रेकरिंग डिपॉजिट्स होता है बैंक के साथ और एक होता है और अदर डिपॉजिट्स विद आर ठीक है इसके बाद क्या होता है M2 क्या होता है M2 में M2 कैसे पहुंचते हैं हम लोग M1 में सिर्फ आप ऐड कर दिए डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ठीक है और M3 कैसे हम लोग पहुंचते हैं M3 में क्या है कि M1 में आप ऐड कर दीजिए सिर्फ टाइम डिपॉजिट विद बैंक टाइम डिपॉजिट आप जानते हैं क्या होता है बताइए जो हमारा फिक्स डिपॉजिट होता है उसको हम लोग टाइम डिपॉजिट्स बोलते हैं ठीक है और M4 हम लोग कैसे पहुंचेंगे M4 क्या है कि इसी M3 में बस आप टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस एन को ऐड कर दीजिए ठीक है तो ये थोड़ा सा बस एक एक छोटा सा डायग्राम था जिससे आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना था कि एम एम टू एम थ्री और एम फोर क्या होता है ये जो है अलग अलग इंडिकेटर्स है मनी सप्लाई का अलग 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 पैरामीटर्स है मनी सप्लाई या को नापने का भी और इसको कंट्रोल करने का भी तो अगर आपको कभी इससे क्वेश्चन आता है एम वन एम टू एम थ्री एम फोर से तो आप यहाँ से थोड़ा सा देख कर आइडिया ले सकते हैं हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन ये रिसेंट ईयर में आया हुआ है द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकॉनमी इंक्रीजेज विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बताइए पहला ऑप्शन है आपका इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो दूसरा है इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज तीसरा है इंक्रीज इन स्टैचरी लिक्विडिटी रेशियो ये रेशियो होगा यहाँ पर भी ठीक है और ऑप्शन डी है आपका इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन ठीक है अब हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर ये सही क्यों है देखिए अभी मनी मल्टीप्लायर एक टर्म होता है मनी मल्टीप्लायर एक टर्म ऐसा होता है कि एक पैरामीटर होता है जिसके वजह से हम लोग को पता चलता है कि मनी अगर हम फॉर एग्जांपल वन रुपी अगर एक इकोनॉमी में एंटर करता है तो वो कितना टाइम इंक्रीज़ कर जाएगा ठीक है तो उसको मतलब एकदम अगर बेसिक से समझना चाहेंगे तो मनी मल्टीप्लायर का ही मतलब हुआ कि वह अगर एक रुपये मार्केट में घुसता है तो वो कितने रुपए में टर्न मतलब वो बदल जाएगा ठीक है जैसे एग्जाम्पल आपको जैसे देखिए मनी मल्टीप्लाई कैसे होता है फॉर एग्जाम्पल सोचिए आपके बैंक में आपने कुछ पैसा डिपॉजिट किया ठीक है अब बैंक क्या करेगा कि इसी पैसा का कुछ पार्ट जो है वो सेव कर लेगा सी आर आर या एस एल आर के फॉर्म में और रेस्ट वाला जो आपका पैसा है वो फर्दर लोन में दे देगा ठीक है आप लोन में दे देगा या किसी को लेंड कर देगा ठीक है फिर इस लोन से ये कुछ काम करेगा और ये फिर जो है ये बैंक में जो है ये पैसा डालेगा तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका आप ही का मनी जो है वो सर्कुलेट करते करते जो है वो मनी का बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं जनरली मनी मल्टीप्लाई करना और इसका एक इंडिकेटर होता है मनी मल्टीप्लायर जिसको जिसका एक फार्मूला होता है वन बाय रिजर्व रेशियो ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए कि जो मनी मल्टीप्लायर है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजर्व रेशियो तो अगर आप जो है सी को इंक्रीज करेंगे तो मनी मल्टीप्लायर जो है वो घटेगा ठीक है तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ देखिए पहला है इंक्रीज इन सी तो ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन हो गया क्योंकि इसके वजह से आपका मनी मल्टीप्लायर जो है वो घटेगा ठीक है अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन अभी हमने अभी हमने ये किया कि जैसे ही देखिए अब क्या होता है कि लोग लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन करने गवर्नमेंट इतना फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों करना चाहती है लोगों का बैंक अकाउंट क्यों खुलवाना चाहती है जस्ट इसलिए खुलवाना चाहती है कि फॉर एग्जांपल ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा लोग जो है वो आपका अकाउंट होल्ड करेंगे या जितना ज़्यादा लोग जो अकाउंट में पैसा डालेंगे तो वो मनी जो है वो उतना ज़्यादा जो है वो मल्टीप्लाई होगा ठीक है क्योंकि वही मनी जो है फर्दर उसका लेंडिंग होगा लोन्स में और फिर उसका मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ेगा इसी कारण जितना लोग भी हमारे फॉर्मल इकोनॉमी के नेट में आएंगे उतना ज्यादा ही हमारा मनी मल्टीप्लाई होगा ठीक है तो आप कह सकते हैं कि ये जो था ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही था कि इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ़ द पॉपुलेशन इंक्रीज इज द मनी सप्लाई या मनी मल्टीप्लायर इन एन इकॉनमी तीसरा बताइए क्या है इंक्रीज इन स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है क्योंकि एस बढ़ाएगा तो आपका क्या होगा कि बैंक्स को ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा अपने पास और कम पैसा जो है वो फर्दर आगे लैंड करेगी तो ये भी स्टेटमेंट गलत है और स्टेटमेंट डी जो है इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री ये बिल्कुल ही वेग स्टेटमेंट है इसका कोई मतलब नहीं है ये ऐसे हमेशा एक स्टेटमेंट ऐसा यूपीएससी दे, दे देती है जिसका कोई मतलब भी नहीं होता तो आप उसको ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं ठीक है तो हम लोग बढ़ते हैं आगे यहां पे बताइए कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ठीक है आई बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ये अक्सर जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हम लोग आज इसको डिटेल में देखेंगे पहले बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या है पहला इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ओके दूसरा है इट इज़ कंपाइल्ड एंड पब्लिश क्वार्टरली और आपका स्टेटमेंट थ्री है द बेस ईयर ऑफ आई आई पी कैलकुलेशन इज टू थाउजेंड ठीक है तो बताइए कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है पहला है ए है वन ओनली ऑप्शन बी है वन एंड टू ओनली सी है टू एंड थ्री ओनली ऑप्शन डी है वन टू एंड थ्री ओनली तो बताइए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मींस आपसे अब यहाँ ऑब्वियसली इनकरेक्ट पूछ रहा है तो आपका पहला जो पहला दो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और जो आपका स्टेटमेंट थ्री है वो सही है ठीक है अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन देखिए इसका ये कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है इज एन इंडेक्स दैट शोज द ग्रोथ रेट इन डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ इकोनॉमी इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम ठीक है और इट इज़ कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय एनएसओ ये यही था यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ था वो डीआईपीआईटी दिया हुआ था वो जो है वो एक्चुअली वो डब्ल्यू कैलकुलेट करती है वो कभी कभी कन्फ्यूज करने के लिए जो है वो एग्जाम में आपको दे देगा तो एन जो है एन जो है स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है ये लाई करता है मॉस्पी के अंदर जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन और इसमें देखिए क्या होता है कि द एट कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज रिप्रेजेंट 40 परसेंट ऑफ़ द वेटेज ऑफ आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन आईआईपी अब देखिए कोई भी किसी भी तरह का जब इंडेक्स कैलकुलेशन होता है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं वेटेज असाइन करते हैं ठीक है वेटेज जो है वेटेज असाइन जो है उसके इंपॉर्टेंस पे करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग जब सी पी जो इन्फ्लेशन का भी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर हम लोग अलग अलग बास्केट ऑफ आइटम्स का हम लोग अलग अलग वेटेज देते हैं क्योंकि वो आइटम्स जो हैं वो ज़्यादा अफेक्ट करते हैं इंडेक्स को ठीक है जैसे कोई इंडस्ट्री का अगर हम उसका वेटेज ज़्यादा दे रहे हैं तो उसका जो उसके प्रोडक्शन से जो है वो पूरा इंडेक्स जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होता है ठीक है जैसे यहाँ पर देखिए कि एट कोर इंडस्ट्रीज़ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेटेज यहाँ पर जो है देखिए एट कोर इंडस्ट्रीज जो है वो ऑलमोस्ट फोर्टी परसेंट ऑफ़ द वेटेज जो है आई का कंस्ट्रीब्यूट करता है ठीक है और उसमें उसमें जो मेजर जो मतलब जो कोर इंडस्ट्रीज हैं वो कौन कौन सा है रिफाइनरी प्रोडक्ट है जो कि 28.04 परसेंट है इलेक्ट्रिसिटी है वो 90 19.85 परसेंट है स्टील जो है वो 17.92 परसेंट है कोल जो है वो 10.33 परसेंट है क्रूड ऑयल जो है वो 8.98 परसेंट है नेचुरल गैस जो है वो सिक्स है सीमेंट जो है वो फाइव है और फर्टिलाइजर जो है वो टू है देखिए अब इनका स्पेसिफिक्स तो आपको याद नहीं रखना है ठीक है इतना स्पेसिफिक्स लेकिन अगर आपको इतना सिर्फ याद है कि कौन कौन सा इंडस्ट्री जो है वो कोर इंडस्ट्री फॉर्म करता है आई का तो वो काफ़ी होगा जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हो गया आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट आर इलेक्ट्रिसिटी, एस स्टील कोल क्रूड नेचुरल गैस सीमेंट और फर्टिलाइजर ठीक है तो आप इससे इसका कोई भी मिनिमोनिक्स बना लीजिए और याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका जनरली कभी कभी आ जाता है कि इसमें से बताइए कौन कौन सा इंडस्ट्री जो है वो कोर इंडस्ट्री फॉर्म करता है आई का ठीक है अब देखिए कोई भी इंडेक्स हम लोग जब बनाते हैं तो उसका एक बेस ईयर लेते हैं क्योंकि बेस ईयर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना इंक्रीज़ हुआ है कोई भी चीज़ तो यहाँ पर जो है बेस ईयर जो आई का है वो दैट इज़ ट्वेंटी एंड ट्वेल्व ठीक है ट्वेंटी टू ट्वेंटी जो होता है वो इसका बेस ईयर है थोड़ा सा और भी देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ आई क्या है का आई आई पी इज द मेजर ऑन द फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ठीक है वॉल्यूम जो भी इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है उसका एक्चुअली ये मेजर है इट इज़ यूज बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सप फॉर पॉलिसी मेकिंग परपजेज जैसा हमने कहा कि ये आई बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बताता है कि हमारा इंडस्ट्रीज जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है तीसरा क्या आई आई पी रिमेन्स एक्सट्रीमली रिलेवेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टरली एंड एडवांस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एस्टिमेट जो भी हमारा जीडीपी कैलकुलेशन होता है उसमें भी आईआईपी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ठीक है तो यहाँ पर ध्यान देने के बाद क्या है कि आईआईपी जो है वो वो जो है मंथली आती है ठीक है वो उसका मंथली निकलता है कंपाइल्ड देखिए पब्लिश मंथली है ठीक है और दूसरा है इंपॉर्टेंट कि इसमें एट कोर इंडस्ट्रीज है जिनका वेटेज है वो नियरली फोर्टी परसेंट है बेस ईयर जो है वो ट्वेंटी इलेवन टू ट्वेंटी ट्वेल्व है और जो है वो उसको यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए ये बहुत ईजी क्वेश्चन है ये बहुत ही ईजी पिकिंग है इसको आप ईजीली बना सकते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट एन पी ए मीन्स पहला आपका ऑप्शन है इट इज़ अ लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेंड ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ नाइन्टी डेज और मोर दूसरा है इट इज़ अ लोन और एडवांस फॉर विच प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेंड ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ वन ट्वेंटी डेज और मोर आपका स्टेटमेंट थ्री है इट इज़ अ लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेंड ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर और मोर बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ठीक है तो एन जो होता है वो वैसा लोन और एडवांस होता है जिसका प्रिंसिपल पेमेंट ठीक है प्रिंसिपल पेमेंट या इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो ड्यू हो जाए ओवर द पीरियड ऑफ 90 डेज ठीक है चाहे वो आप कोई भी कार लोन लें होम लोन ले वो अगर उसका जो है इंटरेस्ट पेमेंट या प्रिंसिपल पेमेंट अगर ड्यू हो गया है फॉर मोर देन 90 डेज तो उसको हम लोग एन बैंक्स जो है वो उसको एन पी ए टर्म कर देती है यही उसका क्राइटेरिया है अब थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं इट इज़ अ लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेंड ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ नाइन्टी डेज और मोर अब देखिए ये तो हो गया हमारा कार लोन और आ, होम लोन या पर्सनल लोन जिसके लिए भी है अब यहाँ पर क्या है कि इन केस ऑफ एग्रीकल्चर फार्म लोन्स द एन पी ए वेरीज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इंटरेस्ट नॉट पे अब देखिए क्योंकि एग्रीकल्चर लोन तो डिपेंड करता है सीजन पे ठीक है जब क्रॉपिंग सीजन होता है तो यहाँ पर जैसे है कि देखिए एन पी ए वेरीज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप क्या होता है जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होता है अगर उस केस में इंटरेस्ट जो है वो दो क्रॉप सीजन तक पे नहीं होता है उसको तो एन पी ए टर्म कर देते हैं और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए लोन ले गया तो इंटरेस्ट नॉट पेड फॉर वन क्रॉप सीजन ठीक है तो इस तरह का डिफरेंस भी आप थोड़ा बहुत जान लीजिए कि एग्रीकल्चर लोन में एनपीए हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं उसके बाद क्या है कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एन के बाद क्या क्या कैसे जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोई लोन एन हो जाए उसके बाद फर्दर क्या होता है बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू एन फर्दर इनटू सब स्टैंडर्ड डाउटफुल एंड लॉस एसेट मतलब एनपीए के बाद जो आपका आता है सब स्टैंडर्ड आता है सब स्टैंडर्ड के बाद डाउटफुल आता है और डाउटफुल के बाद लॉस एसेट्स होता है मतलब उसको बैंक मान लेती है कि हमारा चला गया पैसा ये वापस नहीं आएगा ठीक है तो पहला जैसे सब स्टैंडर्ड एसेट है एसेट विच हैव रिमेंड एन पी ए फॉर अ पीरियड लेस देन मतलब जैसे सोचिए कि आप आपने लोन का ई नहीं भरा तीन महीने तक ठीक है तो वो एन टर्म हो गया अगर ये एन आपका एक साल तक रह गया ठीक है तो उसको हम लोग वो बैंक जो है उसको टर्म कर देगी कि ये सब स्टैंडर्ड एसेट हो गई हमारा एसेट वो बोल रही है क्योंकि बैंक का आप जानते हैं लोन जो है वो बैंक के रिस्पेक्ट में उसका एसेट है क्योंकि उससे उसकी कमाई होती है क्योंकि उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है तो सब स्टैंडर्ड एसेट जो हुआ एनपी अगर आपका ट्वेल्व मंथ रह गया है वो तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट में चेंज कर जाता है डाउटफुल एसेट क्या है कि वही आपका सब स्टैंडर्ड एसेट जो है वो अगर ट्वेल्थ मंथ वैसे ही रह गया तो वो हो जाएगा डाउटफुल एसेट ठीक है और लॉस एसेट क्या होगा कि वही आप मान लीजिए कि उसके बाद जो है लॉस एसेट हो गया इट इज कंसिडर्ड अनकलेक्टेबल एंड एंड ऑफ सच लिटिल वैल्यू दैट इट कंटिन्यूंस एज बैंक बैलेंस एज एट इज नॉट वारंटेड ऑल दो देर में सम समेज और रिकवरी वैल्यू ठीक है मतलब बैंक जो है कुछ कभी कोशिश करेगी कि उसको सैलवेज कर ले ठीक है लेकिन वो मानती है कि ये जो है ये लॉस हो जाता है और वो एक तरह से वो उसका नुकसान हो गया है ठीक है तो आपने समझा अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बताइए क्या है इसका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बैंक बोर्ड ब्यूरो बी 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 पहला स्टेटमेंट है इट वॉज सेटअप इन फेबर टू थाउजेंड सिक्सटीन एज एन ऑटोनमस रेकमेंडिंग बॉडी स्टेटमेंट टू है इट वॉज सेटक कमेटी और स्टेटमेंट थ्री है आपका द करेंट चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज भानु प्रताप शर्मा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ठीक है करेक्ट पूछा जा रहा है आपसे तो बताइए कौन सा सही ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन है इसका आपका ऑप्शन वन एंड थ्री ठीक है जो स्टेटमेंट टू है ये गलत है हम लोग देखते हैं कि गलत क्यों है देखिए बैंक ब्यूरो इज अ सेल्फ गवर्निंग ऑटोनमस बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज एन एडवाइजरी अथॉरिटी कम्प्राइजिंग एमिनेंट प्रोफेशनल्स एंड ऑफिशियल्स टू इंप्रूव द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है उसको मेनली बनाया गया था वो एक कल्बिनेशन है प्रोफेशनल्स और ऑफिशियल्स का और इन लोग इंप्रूव करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक का वर्किंग ठीक है इट वॉज सेटअप बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द आर बी आई इम्पॉर्टेड पी जी नायक कमेटी ठीक है पी जे नायक कमेटी था ये ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी था इसका रिकोमेंडेशन आप और देख भी सकते हैं टू इंप्रूव द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक बैंक बोर्ड ब्यूरो हेडकॉर्टर है सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मुंबई है एंड इट स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन द अप्रैल वन टू थाउजेंड सिक्सटीन बीबी बी वी वॉज अ पार्ट ऑफ अ सेवन पॉइंट स्ट्रैटेजी ऑफ द इंद्रधनुष मिशन देखिए इंद्रधनुष मिशन भी अगर आपसे कहीं पूछता है कि ये किससे रिलेटेड है तो ये रिलेटेड है हमारा जो है रिवैम्पिंग दी पब्लिक सेक्टर बैंक ठीक है पब्लिक सेक्टर बैंक को सुधारने के लिए एक मिशन है इसमें सेवन इसमें बहुत सारा शायद शायद सेवन पॉइंट एजेंडा है इसमें उसको आप देख लिया कि इंद्रधनुष मिशन में क्या क्या रिकमेंडेशन था किस किस तरीके से हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक को इम्प्रूव करेंगे ठीक है एक आपका और कभी क्वेश्चन आ सकता है कि मिशन इंद्रधनुष क्या है ठीक है वो जो है आपका चाइल्ड इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ है वो तो आपको कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि इंद्रधनुष मिशन जो है वो आपका बैंकिंग के रिलेटेड है और एक इंद्रधनुष आपका जो है वो इम्यूनाइजेशन ऑफ चाइल्ड से भी है रिलेटेड ठीक है तो उसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अगर कहीं आता है तो आप उसके बारे में ज़रूर पढ़ लें अब देख लेते हैं कि क्या क्या काम करती है यहाँ पे करती है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू रीस्ट्रक्चर देयर बिजनेस स्ट्रेटजीज असिस्टिंग बैंक्स विद स्ट्रेटजीज टू डील विद इश्यूज ऑफ बैड लोन्स और स्ट्रेस एसेज तीसरा है स्ट्रेटजीज फॉर रेजिंग कैपिटल थ्रू इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेथड्स उसके अधेर रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट ऑन टॉप लेवल अपॉइंटमेंट्स लाइक फुल टाइम डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इन पी ठीक है तो आप समझ रहे हैं कि बैंक ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो है बहुत सारा काम है एक तो है कि वो बैंक का जो जितने भी बैंक पी एच है उनका चेयरमैन जो होता है उनको उनका सिलेक्शन करती है और वो जो है फिर मिनिस्ट्री को बताती है कि आप ये करिए ठीक है एक्चुअली जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस जो है वो उसको फाइनल अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग का कि अपॉइंटमेंट किसको करना है या नहीं करना है पर जो है ये रिकमेंडेशन बॉडी है इसका मतलब और इसका बाइंडिंग नहीं है जो रिकमेंड करती है उसका वो जो है वो उस पर बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पर गवर्नमेंट उस पर डिसाइड कर सकती है ठीक है तो आपने पढ़ा थोड़ा सा कि ये एक ऑटोनमस रिकमेंडेटरी बॉडी है और इसका काम मेनली है कि पी का पी के डायरेक्टर्स का चेयरमैन का अपॉइंटमेंट और जो उनका उनको अगर डेली जो जैसे कुछ उनका जो प्रॉब्लम होता है उनके बिज़नेसेस में उसको भी वो सॉल्व करती है ठीक है तो आज जो है हमारा ये सेशन जो है इकोनॉमी का जो है एंड हुआ होपफुली आपको थोड़ा सा इसमें इन्फॉर्मेशन बढ़ा होगा इसी तरह से हम लोग जो है इकॉनमी का सीरीज़ जो है कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही फाइव क्वेश्चन लेके आएंगे उसके बाद जो है क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट है उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर से भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो हमारे इस सीरीज़ का यही मकसद है कि आप अगर इस पाँच क्वेश्चन को देख लें तो पांच क्वेश्चन तो आपके बनेंगे ही बनेंगे और भी इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आपसे बन जाए ठीक है तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डेली डोज में तब तक थैंक यू